आप लोगों का हमारे चैनल पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। स्टेट रिजल्ट की चाहत रखने वाले विद्यार्थियों के लिए गुड न्यूज़ निकल कर आ रही है। जो चार बड़े केस किए गए हैं बिहार बोर्ड पर स्टेट रिजल्ट प्रकाशन के लिए, उसमें दूसरे केस जो आलोक कुमार के द्वारा किया गया था, उसकी सुनवाई की डेट आ गई है। यह बड़ी खुशखबरी है शिक्षक बनकर समाज की सेवा करने वाले विद्यार्थियों के लिए। केस संख्या है CW JC 7661। इसकी हियरिंग डेट आपको, इसको फाइल कब किया गया था, इसको फाइल किया गया था आपका 30/5/2020 को इसको फाइल किया गया था। तो इसकी फर्स्ट हियरिंग डेट आपकी आ गई है, वो आपकी कब है, 29 जून को इसकी फर्स्ट हियरिंग डेट है। आपको पता होगा कि इस केस की नौबत बिहार बोर्ड द्वारा रिजल्ट को रद्द करने के कारण आ गई, लेकिन अब रिजल्ट आकर ही रहेगा। स्टेट रिजल्ट रद्द करने के कारण विद्यार्थियों में आक्रोश है। स्टेट अभ्यर्थी मजबूती के साथ इस केस से जुड़े हुए हैं, वे आर्थिक और शारीरिक रूप से इस केस में प्रयत्नशील है कि रिजल्ट जारी हो। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये केस जो है आलोक कुमार के द्वारा किया गया था। देखिए यह केस आलोक कुमार के द्वारा किया गया था, फाइल किया गया था 30 मई को फाइल किया गया था, क्योंकि स्टेट एग्जाम 16 मई को रद्द कर दिया गया था। सरकार की तरफ से हमेशा की तरह सरकारी वकील आपका ललित किशोर रहेंगे। सुनवाई के बाद क्या कुछ अपडेट निकल कर आता है तो मैं पहले आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि स्टेट से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आए तो मैं सबसे पहले आपको पास उस इन्फॉर्मेशन पहुँचे। अगर स्टेट में जीत होती है तो चुनाव से पहले सभी विद्यार्थियों को ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपका दिन शुभ हो।